सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम थोड़ा थियोरेटिकली पोर्शन करने वाले हैं पाइथन के अंदर, जो कि है हमारा व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या होता है? ये किसी भी जो भी डेटा होता है उसका एक बिहेवियर हम उसको कह सकते हैं कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर क्या है? एक टाइप का इंटीजर नंबर टाइप का एक डेटा टाइप है। हमारा नेम क्या है? एक टेक्स्ट टाइप का है। और जो हमारी सैलरी वगैरह होती है और अलाउंसेस वगैरह, वो सब हमारी होती है फ्लोट के अंदर, क्योंकि उसमें कुछ फ्लोटिंग वैल्यू भी होती है, ठीक है। और पाइथन के अंदर और काफ़ी सारे हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, जैसे टपल, डिक्शनरी, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे, जो कि मैं आपको अब बताने आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है पाइथन डेटा टाइप्स, जो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिस्क्राइब है। तो सबसे पहले है यहाँ पे न्यूमेरिक, जो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद हमारे यहाँ पे डिक्शनरी, बुलियन, सेट और सिक्वेंस। तो आपको मैं वन बाय वन सभी के बारे में बताऊँगा। क्या जो हमारा न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसे कि हमारी एज होती है, मोबाइल नंबर होता है, वो सब हमारा एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है। अब न्यूमेरिक के अंदर भी टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है हमारा इंटीजर, जिसके अंदर कोई डेसिमल पोर्शन नहीं होता, जैसे कि एज। अगर आप कहीं पर जनरली जो हमारी एज होती है वो हम कहते हैं भाई 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 50 ईयर्स, 51 ईयर्स, कोई ऐसे नहीं कहता भाई आपकी एज 51.264% आपकी एज है, या फिर 12.456.8, मतलब किस टाइप से कोई डेसिमल्स के अंदर कोई बताता नहीं है, क्योंकि इसको ओनली बिना डेसिमल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। तो फ्लोट नाम से हमें माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। फ्लोट का मतलब कि जैसे कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2.2 है, जो 2 या फिर 2.3 है, जो 2 के बाद जो 0.3 है वो क्या है? फ्लोट कर रहे हैं। आप सपोज कर सकते हो फ्लोट कर रहे हैं। तो जो भी डेसिमल्स वाली वैल्यूज होती है वो होती है हमारी फ्लोट नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, कुछ इस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 3+2i, ठीक है, ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इस टाइप से वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप। नेक्स्ट होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो होता है की एंड वैल्यूज। हमें की डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे एक क्लास, जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे हैं, तो हो ठीक है, क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चे हैं, तो हर एक क्लास के अंदर की है। हर एक क्लास के अंदर की का मतलब कि हर एक क्लास के अंदर एक मॉनिटर है जिसके थ्रू हम उस क्लास को पहचानते हैं। जैसे कि क्लास फर्स्ट के अंदर एक राम नाम का जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो है क्लास का मॉनिटर। तो 99.99% या 100% चांस यही है कि फर्स्ट क्लास के अंदर की जो पहचान है वो राम है, ठीक है। तो इसी टाइप से राम से ही बाकी और बच्चे कनेक्ट होंगे। तो इस टाइप से डिक्शनरी की एंड वैल्यूज को स्टोर करता है। एंड बुलियन, बुलियन का पता होगा आपने, 1 एंड 0 या 0 एंड 1 भी इसको कहते हैं, 2 एंड 4 भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। सेट, सेट एक टाइप का डेटा टाइप है, जो कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और ये जो डेटा होता है इसके देखो डुप्लीकेसी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 1, 2, 1। तो ये जो ये है, अगर मैं इस सेट को प्रिंट करवाऊँगा तो ये दिखाएगा मेरे को ओनली क्या दिखाएगा, 1 एंड 2 मुझे रिजल्ट में दिखाएगा, क्योंकि सेट के अंदर किसी भी टाइप की डुप्लीकेसी नहीं होती। और सिक्वेंस के अंदर आप हमारे आते हैं स्ट्रिंग, टप्पल एंड लिस्ट। स्ट्रिंग का मतलब आपको पता ही होगा, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और टप्पल, टप्पल का मतलब क्या होता है? टप्पल एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कुछ आप डिक्लेयर कर दे कि भाई इस ए टप्पल के अंदर ए इज इक्वल टू में ए है, ठीक है, ए के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया 0 पोजीशन में 1, 2nd पोजीशन 1, 1 पोजीशन में 3। अब ये टप्पल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराया, तो यहाँ पे अगर आप इसके पोजीशन को चेंज करना चाहोगे, इसके एलिमेंट को चेंज करना चाहोगे, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा टप्पल के अंदर। पर ये चीज़ हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। लिस्ट से आप समझ गए होगे, जैसे कि हमारी घर के
राशन बनाने की लिस्ट होती है वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के हमारे लिस्ट बनाते हैं, कपड़ों की लिस्ट, राशन की लिस्ट, वैसे ये एक टाइप की लिस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को डेटा टाइप्स समझ में आए होंगे अगर आप, और एज वेल एज हम इसको थोड़ा पाइथन के अंदर कोड भी करने वाले हैं और सभी वैल्यूज के डेटा टाइप देखने वाले हैं। तो अब फटाफट से अब हम अपने आईडी के अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखते, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेरेशन और डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग करने के यहाँ कोड लिख रखा है फॉर द टाइम सेविंग पर्पस। तो मैंने सबसे ऊपर ले रखा है मैंने इंट डेटा 5, फ्लो डेटा 5.5, स्ट्रिंग डेटा अमित कोड, और लिस्ट डेटा के लिए मैंने डबल कोड्स के अंदर ले रखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने 1, 2, 3 ले लिया रखा। टप्पल डेटा के लिए मैंने ले रखा राउंड ब्रैकेट, और डिक्शनरी डेटा के अंदर मैंने ले रखा एक की और एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू, और बूल डेटा के अंदर मैंने ट्रू ले रखा है। आप ट्रू फॉल्स कुछ भी ले सकते हो। सेट के अंदर मैंने ले लिया कर्ली ब्रैकेट, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने ले लिया 3+2j। ठीक है, और लास्ट मैंने आप क्या कर रखा है यहाँ पे टाइप जो फंक्शन है, टाइप फंक्शन क्या करता है किसी भी डेटा टाइप को वहाँ पे बता देता है। तो टाइप प्रिंट टाइप करना है मुझे इंट वेरिएबल का डेटा टाइप। ठीक है, उसी टाइप से फ्लो डेटा टाइप, टाइप स्ट्रिंग डेटा, टाइप लिस्ट डेटा, सो ऑन टू टाइप कॉम्प्लेक्स डेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर क्या आया है। मैं उसको ऊपर की तरफ जूम करने की कोशिश करता हूँ, फिर से इसको रन करके देखते हैं टर्मिनल। अब देख सकते हो कि जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्या हमारा इंट है। सेकंड क्या है, फ्लोट बताया था मैंने 5.5 फ्लोट, स्ट्रिंग अमित कोड स्ट्रिंग, एंड बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है लिस्ट, एंड राउंड ब्रैकेट के अंदर टप्पल, और डिक्शनरी जहाँ पे मैं बताया की एंड वैल्यूज, वो टप्पल के बाद डिक्शनरी, एंड बूल ट्रू, और यहाँ पे सेट बताया था मैंने आपको ये सेट, और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेटा प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आप सभी को ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, सब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।